देखिए पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, उससे निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार दिन रात काम कर रही है। लेकिन जब स्थिति काफ़ी खराब हो गई, मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि सभी पार्टी के मंत्री, विधायक, जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी राहत कैंपों में लोगों का सहयोग के लिए पहुँचे। सभी लोग राहत शिविरों में काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी बाढ़ की स्थिति में पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, लेकिन अभी सामान्य होने में समय लगेगा। इसलिए पार्टी ने आज पार्टी मुख्यालय में ये बाढ़ राहत रसोई शुरू की है। इस रसोई का पर्पज है कि कैंपों में जहाँ भी ज़रूरत है लोगों को खाने की सामग्री पहुँचाई जाए। दोपहर रात दोनों वक्त हम लोग खाने का यहाँ से पैकेट लोगों को पहुँचाएंगे। इसके लिए 40 कैंपों में 40 कोऑर्डिनेटर हमने नियुक्त किए हैं, जो वहाँ लोगों से लोकल संपर्क में रहेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वो यहाँ से कार्यालय से संपर्क करेंगे और फिर यहाँ से ये जो है भोजन के पैकेट उन राहत कैंपों में पहुँचाए जाएंगे।